नाज़रीन ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन बात करेंगे श्रीनगर लेह हाईवे की, जो लगातार 3 रोज तक गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रही। आपको हम बता दें कि मंगल को बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके साथ ही श्रीनगर लेह हाईवे है उस पर एहतियातन जो है गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया था, और 3 रोज तक लगातार जो हाईवे जो श्रीनगर हाईवे है वो गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद की गई थी। और हाईवे के दोनों तरफ, चाहे मिनीमर्ग साइड की बात करें या हम सोनमर्ग साइड की बात करें, तो दोनों तरफ जो है सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दरमंदा हो गई। तहम बीकन ने जंगी बुनियादों पर जोजिला पास से बर्फ हटाने का काम शुरू किया और 3 रोज तक लगातार जो है बर्फ हटाने का काम मुकम्मल करके और मौसम में बेहतरी आने के साथ ही शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया था। और कल शाम की अगर हम बात करें तो कल शाम को मिनीमर्ग से सोनमर्ग और श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाजत मिल गई थी, और आज सुबह जो सोनमर्ग साइड में माल बरदार गाड़ियां जो दरमंदा हुई थी उन्हें भी अब जो है कल करगिल और लद्दाख की तरफ जाने की इजाजत मिल गई है, जिसके साथ ही जो गाड़ियां हैं वो सोनमर्ग से रवाना हो गई। नाज़रीन, बालाई इलाकों जिनमें जोजिला पास है, सोनमर्ग है या गोंड है, खुसूसन जो हम सोनमर्ग या जोजिला पास की बात करें तो इन दो मुकामात पर 6 से 7 इंच जो ताज़ा बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई थी, और एहतियाती तौर पर हाईवे को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। हम बीकन जो रेस्पॉन्सिबल है इस रोड की, जो इसकी देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने जंगी बुनियादों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया जोजिला पास से, और जोजिला पास से बर्फ हटाने के बाद ही जो है गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल मिल गई और मिनीमर्ग से कल शाम को सोनमर्ग और श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को रवाना किया गया, और आज सुबह सोनमर्ग से जो करगिल है और लद्दाख है यहाँ से भी गाड़ियों को जाने की इजाज़त मिल गई।